बात करेंगे दिल्ली मर्डर के साक्षी को साहिल ने कैसे मर्डर कर दिया और बेरहमी से उनको चाकू मारकर हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हरिराम बात करेंगे कि शाहबाद दिल्ली राजधानी, जो इंडिया हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में शाहबाद डेयरी का मामला है, जिसमें 20 साल का साहिल खान और हिंदू धर्म से पाए जाते साक्षी को साहिल ने 16 बार चाकू धारदार मारकर बेरहमी से उनको हत्या कर दिया और मार दिया, मारकर वो फरार हो गए। साहिल को रिलेशनशिप यानी उनके फुआ के घर से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रिमांड मिली। कोर्ट से 2 दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस ने, हम आपको बता दें कि सीन को रिक्रिएट किया गया। जिस तरीके से साक्षी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो बता दूं कि 16 बार उनको गर्दन पर और शरीर पर चाकू लगाए, जिसकी बात हम बता दें आपको कि गले पर 6 बार चाकू लगभग मारा जा चुका है और सीना और पेट पर लगभग 10 चाकू लगाए गए हैं साक्षी को। जिस तरीके से हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग जो रास्ते पर चल रहे थे उनको दिख रहा था, मगर ये बेरहमी से साक्षी को, 16 साल की नाबालिग को साहिल खान ने धारदार चाकू से मारे जा रहा था। मरने के बाद भी साहिल ने नहीं छोड़ा और पत्थर मारकर साक्षी को बुरी तरह खोपड़ी को तोड़ दिया। जिस तरीके से साहिल को दिल्ली की शाहबाद डेयरी की मामला है और ये बहुत बड़ा मामला, हम आपको बता दें इससे पहले भी एक मामला आया था जिसमें अंजलि को 40 किलोमीटर तक गाड़ी ने रौंदा था और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी। जिस तरीके से दिल्ली NCR और दिल्ली में बाबा से लेकर, हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपनी बात रखते हैं दिव्य दरबार में और रखे, वहीं मनोज तिवारी ने भी इस मामले को लेकर जो है दिल्ली सरकार को घेराव किया है, बताया है उन्होंने कि इससे पहले भी ये मामला और ऐसे मामले हो चुके हैं। जिस तरीके से हिंदू धर्म की लड़की पर जो है मुसलमान धर्म के लड़के करते हैं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके कारण जो है दिल्ली को सरकार, राजधानी दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को घेराव भी किया, उसमें पुलिस अभी इस केस की जांच चल रही है। अब बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो साहिल 20 साल का, उसको फांसी की सजा मांग कर रहे हैं देश में, पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कहीं कहीं इनको लेकर खिलाफ हो रही, वहीं कानून की तरफ से अभी इस पर मामला जारी है, कार्रवाई जारी है। अब देखना है कि साहिल को जो बेरहमी से साक्षी को मारने के बाद शाहबाद डायरी नई दिल्ली की बात जो हत्या कर दिया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया कि 6 चाकू गले पर और 10 चाकू आसपास उनके सीने और पेट पर लगे हैं और बेरहमी से मार दिया गया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म की लड़की को ही टारगेट दिल्ली NCR में ज़्यादातर होता है और ये साहिल खान जो है ये पकड़ा गया है। अब देखना है कि कानून इनको क्या सजा देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।